जय सिया राम जी। मंगल के बारे में चर्चा चल रही थी। मंगल ब्रह्मांड का वो ग्रह जिससे हम कौन सी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, शक्ति वाली, गुस्से वाली। मंगल कार्यों के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा, और बिना मंगल अच्छा हुए आपके घर का कोई भी मंगल कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। कुछ भी मांगलिक कार्य करना हो उसके लिए ज़रूरी है मंगल अच्छा हो, मंगल अच्छा किया जाए। काफ़ी जगह से आपने मंगल के बारे में जाना होगा, मगर जो सबसे आपको परेशान करने वाली बात होगी वो होगी कुंडली में मांगलिक दोष है जी। जातक या जातिका मांगलिक है, इसलिए इसकी दो शादी का योग है। अगर मांगलिक के साथ शादी ना हुई तो पार्टनर की मौत हो जाएगी, घर में कला क्लेश रहेगा वगैरह वगैरह। अब सुनी सुनाई पर बात का यकीन करने से पहले ज़रा विचार कीजिए, आज तक आपने किसी भी जोड़े को, पति पत्नी को इकट्ठे मरते हुए देखा? करोड़ों में कोई एक इंसिडेंट होगा कि जा रहे थे इकट्ठे, एक्सीडेंट हुआ, दोनों इकट्ठे मर गए, वरना बारी बारी से सभी जाते हैं जैसे परमात्मा ने टिकट देकर भेजा है, क्योंकि रिटर्न टिकट परमात्मा साथ ही देकर भेजता है। अगर टिकट आपकी पहले कटी हुई है तो फिर ये कैसे ऐड हो गया कि अगर आप मांगलिक हैं या आप मांगलिक नहीं हैं तो शादी का जोड़ करते समय अगर ये मंगल मैच नहीं करता तो मरने मारने की नौबत आ जाएगी। खुद ही विचार कीजिए, अपने आप आपके दिमाग की रोशनी जग जाएगी। और दूसरी बात, मंगल है गर्म ग्रह, जहाँ पर भी बैठेगा आदमी को उस घर के प्रति, उस रिश्ते के प्रति तलखी गर्मी का स्वभाव दे देगा। तो गर्मी और तलखी हर रिश्ते में चलती है, फिर वही बात, ऐसे में गर्मी और तलखी होने पर दो शादी हो जाएंगी। इसलिए मंगल का ये हुआ भी कहीं ना कहीं अपने आप में ही अपनी बात को झुठलाता हुआ नज़र आएगा। जो दो शादी होगी, शादी टूटेगी, शादी लेट होगी, उसके लिए और ग्रह जिम्मेवार ज़्यादा होते हैं। इसलिए मंगल के बारे में अपनी धारणा ऐसी रखनी कि दिल में डर ज़्यादा हो, खुशी कम हो, ऐसा कुछ नहीं बिठाना, क्योंकि मंगल हमें मंगल कार्यों में मदद देता है। अब मंगल अच्छा या बुरा, क्योंकि मंगल है ताकत का ग्रह, ताकत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, ये आगे जब बात करेंगे लाल किताब के आधार पर मंगल बद और मंगल नेक की, तब तफसील से इसकी बात करेंगे। मगर अभी बात करते हैं मंगल की ताकत के बारे में। मंगल की ताकत, जो बॉर्डर पर खड़ा फौजी गोली चला रहा है उसमें भी मंगल की ताकत है, और जिस पर गोली चला रहा है, मान लीजिए आतंकवादी पर चला रहा है, तो ताकत उसमें भी मंगल की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि फौजी में अच्छे मंगल की ताकत है और आतंकवादी में मंगल खराब की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, जिनकी कुंडलियों के मंगल मैच हुए होते हैं या कुंडलियों के मैच परफेक्ट हुए होते हैं, कोर्ट कचहरियों में तलाक के केस ऐसे इंसानों के ज़्यादा देखने को मिलेंगे जिनकी कुंडलियां बहुत अच्छे से मैच हो जाती हैं। इसलिए कुंडली मिलान के लिए सिर्फ अष्टकूट मिलान नहीं,
कुंडली का इंडिविजुअल एनालिसिस करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली मैच सिर्फ आपके चंद्रमा की कुंडली में पोजीशन के आधार पर मैच हो जाएगा। इसलिए कुछ भी दिमाग में मिथ हो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे ज्योतिषी से सलाह मशवरा किया जाए वो आपको आपकी बात का लॉजिक के साथ जवाब दे सके। कि मान लीजिए अगर आपको